गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, टुमारो वी हैव आवर एनटीएससी एग्जाम। नाउ रिया इज गोइंग टू टेल अस व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एनटीएससी। यस रिया, कैन यू हियर मी? रिया यादव, बेटा कैन यू हियर मी? ओके, लेट मी टेल यू, योर बुक पे इज नॉट 51 टू 50 is not your book page number 31 to 51, book page number 31 to 51, countries, capital and their currencies, and first in male and female in India, right? ye teen topic honge hamare, book page number honge 31 se 51, country, capital, country and their currencies, and first in male and female in India, right? So, ये तीनों ही हमें रिवाइज करने हैं। पिछली क्लास में भी हमने अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर भी हमने इन टॉपिक्स को रिवीजन किया था, और आज फिर से हम अपना ये वही टॉपिक रिवीजन कर रहे हैं, राइट? सो कैन आई आस्क क्वेश्चन रैंडमली फ्रॉम कंट्रीज, कैपिटल एंड देयर करेंसीज? आर यू रेडी? यस सर, रेडी। ओके बेटा, मैं वन बाय वन केवल अनाउंस करूंगा, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, केवल नाम अनाउंस करूंगा, वही आंसर करेगा जिसका मैं नाम लेता हूँ, राइट? वन बाय वन सबका नंबर आएगा, सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज फॉर हर्षित, हर्षित कैस्केड्स। हर्षित कैन हियर मी? No response. Yaksh Yadav, Yaksh, can you hear me? Yes, sir. Yes, your question is, the question for you is, the first Indian Governor General of Independent India, first Indian Governor General. Sir, repeat your turn. First Indian Governor General of Independent India. Okay, now I'm going to share the screen. Let's take a look. I need your full concentration here. Dekhiye. फर्स्ट इन मेल, अवर टॉपिक चक्रवर्ती राजगोपाल। देखिए, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, प्लीज साइलेंस। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बद्रुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। लेकिन अगर इंडियन गवर्नर जनरल पूछा जाए, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, द आंसर इज सी राजागोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दैट्स करेक्ट। फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू पास आईसीएस एग्जाम, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने आईसीएस एग्जाम पास किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राइट। फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट टू गो इनटू स्पेस, जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इंडिया से स्पेस में गए थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, SQN इज फॉर स्क्वाड्रन, LDR फॉर लीडर, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया आर्मी चीफ, फर्स्ट जनरल KM करियप्पा, राइट, जनरल KM करियप्पा, फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट, पहले इंडियन नोबेल जीतने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में, जो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, हमने पढ़ा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें फर्स्ट इंडियन जज कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र नाथ, फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न, फर्स्ट इंडियन जिनको भारत रत्न मिला था, डॉक्टर S. राधाकृष्णन,
the second president of India, Dr. S. Radhakrishnan, Sarvepalli Radhakrishnan. And every year, 5 September is celebrated as Teacher's Day on the birthday of Dr. S. Radhakrishnan. Right? Yes, sir. Yes, first sir. Field Marshal. First Field Marshal. General S.F.J. Manekshaw. General Sam Manekshaw in Canada. Right? First Field Marshal Sam Manekshaw. First Indian to swim across the English Channel. Mihir Sain. Right? Mihir Sain. First Indian. Yes, sir. First Indian to get Janpeet, first Indian jinko Janpeet award mila hai. The correct answer is G. Shankar Kurup. G. Shankar Kurup. First Muslim president of India. As we all know, Dr. Zakir Hussain, the third president of India. First Muslim president, thai, Dr. Zakir Hussain. First speaker of Lok Sabha. First speaker of Lok Sabha is G.V. G.V. Mavlankar is the correct answer. And now, presently, who is Lok Sabha's speaker? Om Birla. Om Birla. Currently, jo Lok Sabha's speaker, that is Om Birla. Jo hamare first the, wo the G.V. Mavlankar. Next, first president of independent India, India's first president, Dr. Rajendra Prasad. First vice president, Dr. S. Radhakrishnan. Dr. S. Radhakrishnan, first vice president the, or second president the, India. Ke. First prime minister, Pandit Jawaharlal Nehru. First Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel. That's correct, Sardar Vallabhbhai Patel. First Education Minister of Independent India, Abdul Kalam Azad. First Education Minister of India. First Chief of Air Staff. Air Force ke first Chief, Air Marshal Sir Thomas Almist. Right? Almist. Yes, Air Marshal Sir Thomas Almist. First Indian Sir Chief of India. Indian Sir Chief Air Marshal S. Mukherjee. That's correct. Air Marshal S. Mukherjee. Right. Next. First Chief of Army Staff. First Chief of Army Staff. General M. Rajendra Singh. General M. Rajendra Singh. Next. First Chief of Naval Staff. Vice Admiral R. D. Kattari. First person to get Paramveer Chakra. It's important. First person to get Paramveer Chakra, Major Somnath Sharma. First Paramveer Chakra award mila tha. First Indian scientist to get Nobel Prize, C.V. Raman. C.V. Raman. Yes. First Chinese pilgrim to visit India, Fa Hain. Right? First Chinese pilgrim jo India aaye the, Fa Hain. First Indian to win Magsaysay award. First Indian to win Magsaysay Award. Magsaysay Award milne wale first Indian. Acharya Vinod Bhave. Vinod Bhave, that's correct. First minister to resign from Indian Union Cabinet. Pehle ministers jinhone Indian Union Cabinet se, yani cabinet se resign de diya tha, first minister. Shyama Prasad Mukherjee. Shyama Prasad Mukherjee. Yes, that's correct. Shyama Prasad Mukherjee. First British to visit India. First British. Hawkins. Hawkins, that's correct. Hawkins. First election commission of India. Election commission of India ke first chairman. Correct answer is Sukumar Sen. First Chief Justice of India, Hiralal J. Kania. Hiralal J. Kania. Justice Hiralal J. Kania. And presently, who is India's Chief Justice? Tell me. Who is presently the Chief Justice of India? Anyone in the class? Tell me. Sir, please repeat. Who is currently the Chief Justice of India? Arvind Bobade. Sir, Indri. That's correct. Very good, Tamanna. It's Sarad Arvind Bobade. S.A. Bobade is the Chief Justice of India right now. That's correct. So, dekhiye, ye kuch important persons the, first male in India. Right? First male in India. Similarly, aise hi first फीमेल इन इंडिया भी हम पढ़ेंगे राइट कि जो सबसे पहले बने थे चीफ जस्टिस है एयर चीफ मार्शल है एयर वाइस मार्शल है राइट फर्स्ट गवर्नर जनरल है फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल है फर्स्ट सो ऐसे जैसे हमने फर्स्ट इन मेल का टॉपिक किया है सिमिलरली हमने फर्स्ट इन फीमेल का टॉपिक भी करना है राइट सो लेट्स टेक ए लुक एट फर्स्ट इन फीमेल फर्स्ट फीमेल इन इंडिया फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Pratibha Devi Singh Patil. Pratibha Patil is the first woman president. First woman prime minister of India.
इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट सरोजनी नायडू यस इट्स इंपॉर्टेंट वुमेन गवर्नर इज सरोजनी नायडू बट फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इज सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की बनी थी यूपी की राइट सो फर्स्ट गवर्नर इज सरोजनी नायडू फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली थ्रोन दिल्ली के थ्रोन पर बैठने वाली सुल्तान फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी यस फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इंडियन स्टेट इट्स अगेन इंपॉर्टेंट सुचेता कृपलानी फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर इज द फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन अन्नी बेसेंट ओके द हियर माय काउंटर क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे मैं नहीं बता रहा टेल मी जवाहरलाल नेहरू नहीं राजीव गांधी एसी बनर्जी बेटा आपको बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं आता मैंने जस्ट अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले लेकिन आपका डब्ल्यू सी बनर्जी डब्ल्यू सी बनर्जी इज द करेक्ट आंसर राइट आई नीड योर फुल कॉन्सेंट्रेशन इन द क्लास देखिए आई विल शो यू अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये रहा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डब्ल्यू सी बनर्जी याद रखना आपको मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ सकता हूं फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने तो मना कर दिया मैं थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट मीरा साई फातिमा बीबी राइट सुप्रीम कोर्ट फातिमा वो इसकी थी कंप्यूटर की जीके की बेटा म्यूट किधर गए थे आप अभी Okay, move on. First woman judge of Supreme Court. First woman judge of Supreme Court was Meera Sai Fatima. Meera Sai Fatima right? Bibi. First woman to get Ashok Chakra. Ashok Chakra first kisko mila tha? Nirja Misra. Yes. First Indian woman ambassador. United Nations ke andar first woman ambassador India ki Vijay Lakshmi Pandit is the correct answer. First Indian woman to swim across English Channel. Indian woman to swim across English Channel, Aarti Shah Gupta. Now tell me, who is the first male to swim across English Channel? First male. Abhi maine bataya tha. Tell me. Mihir Sen. That's correct. Very good. Mihir Sen is correct. Very good. First Indian woman to get the Nobel Prize. First Indian woman jinko Nobel Prize mila. Mother Teresa. Right? First Indian woman to climb the Mount Everest, Bachendri Pal. That's correct. First Miss World. First Indian woman to Miss World bani Rita Faria. Rita Faria. So, beta, dekhiye, this is our topic list of male and female in India, right? I hope this is clear to everyone. Do you understand? Yes, sir. Right. Very good. Okay, now take a look at countries and capitals. Our next topic is countries and capitals. Yes. Okay. Can you see the screen now? Yes, sir. Countries and their capitals, right?
बस सर ये तो करेंसीज है सर, इसमें तो करेंसीज है। सॉरी मैं अभी कंट्रीज एंड कैपिटल वाला शो कर रहा हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ओके नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। यस सर। यस राइट। देखिए मेक्सिको, द कैपिटल ऑफ मेक्सिको इज मेक्सिको सिटी। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मेक्सिको सिटी कंट्रीज हैं जिनके इस कैपिटल के पीछे ओनली सिटी वर्ड यूज हो रहा है हमारा, राइट। तो देखिए मेक्सिको, मेक्सिको सिटी, सिंगापुर, सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी, सिटी कुवैत, द कैपिटल ऑफ कुवैत इज कुवैत सिटी, पनामा, पनामा सिटी, मोनाको, मोनाको, वेटिकन, वेटिकन सिटी, लग्जमबर्ग, वेटिकन सिटी, कैपिटल है इनकी कंट्री, राइट। अब कुछ कंट्रीज ऐसी है हमारी जिनकी कैपिटल में उनके पीछे टाउन वर्ड यूज हो रहा है, राइट। साउथ अफ्रीका, द कैपिटल साउथ अफ्रीका इज केप टाउन, केप टाउन, गाना, केप टाउन, टाउन, सियेरा लियोन, फ्री टाउन, बारबाडोस, ब्रिज टाउन, फ्री टाउन, यस। ये कुछ ऐसी है जो कंट्री जिनके कैपिटल में टाउन वर्ड यूज हो रहा है, राइट। नाउ अफगानिस्तान, काबुल, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयरिस, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, वियना, अजरबैजान, बाकू, बांग्लादेश, ढाका, बेलारूस, द कैपिटल ऑफ बेलारूस इज मिन्स्क, एंड बेल्जियम, ब्रुसेल्स, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल्स, राइट। नेक्स्ट भूटान, द कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्फू, ब्राजील, ब्राजीलिया, बुल्गारिया, सोफिया, कनाडा, ओटावा, इट्स इंपॉर्टेंट, कनाडा, ओटावा, चिली, सेंटियागो, चाइना, बीजिंग, कोलंबिया, बोगोटा, क्यूबा, हवाना। नेक्स्ट चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, प्राग, डेनमार्क, कोपेनहेगन, इजिप्ट, कैरो, इथियोपिया, एडिस अबाबा, फिजी, सुवा, फिनलैंड, हेलसिंकी, फ्रांस, पेरिस, जर्मनी, बर्लिन, राइट। नेक्स्ट घाना, एक्रा, ग्रीस, एथेंस, इंडोनेशिया, जकार्ता, ईरान, तेहरान, इराक, बगदाद, इजराइल, जेरूसलम, रोम, किंगस्टन, जापान, टोक्यो, जॉर्डन, ओमान, नैरोबी, नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग, साउथ कोरिया, सियोल, त्रिपोली, मलेशिया, कुआलालंपुर, मालदीव्स, माले, मॉरिशस, पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस, यस। नेक्स्ट म्यांमार, नेपिताल, म्यांमार, नेपिताल, नेपाल, काठमांडू, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, ओमान, मस्कट, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पेरू, लीमा, लिस्बन, कतर, दोहा, कतर, दोहा, दोहा। नेक्स्ट रोमानिया, बुकारेस्ट, रशिया, मॉस्को, सऊदी अरेबिया, रियाद, स्पेन, मैड्रिड, श्रीलंका, श्री जयवर्धनेपुरा, स्विट्जरलैंड, बर्न, सीरिया, दमास्कस, थाईलैंड, बैंकॉक, टर्की, अंकारा, यूके, लंदन, लंदन, यूएसए, वॉशिंगटन, हनोई, यमन, सना, जिम्बाब्वे, हरारे, राइट। सो बेटा देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी, अभी काफी सारी कंट्रीज बची हुई है, राइट। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कंट्रीज है वर्ल्ड की जिनकी कैपिटल हमने अभी अभी डिस्कस की है। दीदा वेरी गुड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. Right. Now take a look at countries and their currencies. Right. Countries and their currencies. Can you see the screen? Yes, sir. Countries and their दुनिया की कुछ powerful countries हैं, उनकी currencies है, जो दुनिया में powerful currencies हैं, उनको हम topic के अंदर देखेंगे. Right. Let's start. देखिए करेंसी है, राइट। रुपीज जो हमारी करेंसी है ये यूज होती है हमारी इंडोनेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, इंडिया, श्रीलंका, सेशल्स, पाकिस्तान एंड नेपाल,
राइट, ये जो हमारी 8 कंट्रीज हैं इनके अंदर हमारी रुपया एज ए करेंसी यूज होती है। जो हमारे देखिए इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, हमारी जो ये नेबरिंग कंट्रीज है, इन सब में हमारी रुपया एज ए करेंसी यूज होती है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीव्स, राइट। नेक्स्ट पाउंड। पाउंड जो हमारी करेंसी यूज होती है, ये सबसे ज्यादा फेमस है हमारी यूके के लिए, यूनाइटेड किंगडम में, राइट। पाउंड जो यूनाइटेड किंगडम में यूज होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं, सच एज लेबनान, इजिप्ट, सीरिया एंड साउथ सूडान, राइट। लेकिन कम से कम आपको यूनाइटेड किंगडम तो याद रखना ही है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। यूके, यूनाइटेड किंगडम, लेबनान, इजिप्ट, सीरिया एंड साउथ सूडान, पाउंड जो हमारी करेंसी है, इन कंट्रीज के अंदर यूज होती है। क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। राइट राइट, गुड। नेक्स्ट इज पैसो। पैसो, सो पैसो इज यूज्ड इन अर्जेंटीना, सम इंपोर्टेंट कंट्रीज अर्जेंटीना, चिली, क्यूबा, फिलीपींस, मैक्सिको, कोलंबिया, उरुग्वे, डोमिनिकन रिपब्लिक, राइट। पैसो जो हमारी करेंसी है, इन कंट्रीज में यूज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लर्न रखना ही है वो है अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको, राइट, फिलीपींस, इन सब कंट्रीज के अंदर पैसो एज ए करेंसी यूज होती है, राइट। Okay, next is dinar. Next currency is dinar, right? So dinar is used in Bahrain, Iraq, Serbia, Kuwait, Algeria, Tunisia, Libya, and Jordan. In sub countries ke andar hamari dinar as a currency use hoti hai, right? Important hai Iraq, Kuwait, Libya, Jordan, right? Ye aapne Bahrain, जी आपने कम से कम 4 से 5 कंट्रीज जो है, 4 to 5 कंट्रीज ये आपने लर्न रखी है, दिनार एज ए करेंसी यूज होती है, राइट। दिनार, नेक्स्ट इज क्रोन, राइट। क्रोन हमारी करेंसी यूज होती है स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, चेक रिपब्लिक एंड डेनमार्क, राइट। क्रोन इज यूज एज ए करेंसी इन स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड एंड डेनमार्क, ये इंपॉर्टेंट है, कई सारी कंट्रीज आपको लर्न रखना है, स्वीडन, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये आप याद रख सकते हैं, इनमें हमारी एज ए, जैसे कि लैंड यूज हो रहा है ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। फिर डेनमार्क और नॉर्वे, ये सब नेबरिंग कंट्रीज है जो यूरोप के अंदर छोटी छोटी कंट्रीज है बिल्कुल, इनमें हमारी क्रोन एज ए करेंसी यूज होती है। नेक्स्ट इज शिलिंग। Next is shilling. Shilling is used as a currency in Kenya, Uganda, Somalia and Tanzania. Right? So, ये आपने याद रखना है, only केवल 4 ही countries हैं. Kenya, Uganda, Somalia and Tanzania. Right? इन सब countries के अंदर हमारी shilling as a currency use होती है. Right? Shilling. ये simple मैंने इस video में आपको जो share की थी, उसमें आपको technique भी बता रखी है. जैसे कि for example, coast. K-U-S-T एक हम word बनाएंगे, coast. So, K से केनिया, यू इज युगांडा, एस इज सोमालिया, टी इज तंजानिया, शिलिंग के साथ पोस्ट वर्ड हम टेक्निक से लर्न कर सकते हैं, इन 4 कंट्रीज में हमारी शिलिंग एज ए करेंसी यूज होती है। क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? राइट राइट राइट। नेक्स्ट इज रियाल। ओके, रियाल इज ए करेंसी यूज्ड इन ईरान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, ब्राजील, सऊदी अरब, कतर, ओमान, ईरान, ये सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, आपको लर्न रखनी है। रियाल जो है हमारे ईरान में यूज होती है, एशिया के अंदर है, ओमान और ईरान दोनों ही नजदीक है, एशिया के अंदर ही है, राइट। कतर, सऊदी अरब और ब्राजील, कतर और सऊदी अरब भी एशिया में है, ब्राजील साउथ अमेरिका में है, राइट। सो ये आपको याद रखनी है, रियाल करेंसी ईरान, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया एंड ब्राजील, रियाल हमारी करेंसी इन कंट्रीज के अंदर यूज होती है। यस, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी है जो वर्ल्ड की, वो डॉलर है, और दुनिया के सबसे कई सारे देशों में करेंसी डॉलर एज ए करेंसी यूज होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पावरफुल कंट्रीज हैं जिनको हमें लर्न करना ही है, राइट। द फर्स्ट वन इज यूएसए, ठीक है, यूएसए के अंदर डॉलर यूज होती है, अमेरिका के अंदर, राइट। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा, राइट, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, राइट, जमैका, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको अगर सारी लर्न कर सकते हैं, दैट इज वेरी गुड, लेकिन अगर आप सारी लर्न नहीं कर सकते तो भी कुछ जो पावरफुल कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया यूएसए,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज के अंदर हमारी डॉलर एज ए करेंसी यूज होती है. राइट, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर. यस सर. राइट, नेक्स्ट यूरो. नेक्स्ट यूरो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज लाइक डॉलर. देखिए इसमें भी बहुत सारी, जो भी हमारी ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सारे यूरो ही एज ए करेंसी यूज करती है, केवल इंग्लैंड को छोड़कर. राइट, इंग्लैंड के अंदर पाउंड हमारा यूज होता है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और ज्यादातर कंट्रीज में हमारी यूरो एज ए करेंसी यूज होती है. सो इसमें भी काफी सारी, अगर आप सारी याद नहीं कर सकते इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ. देखिए ऑस्ट्रिया, राइट, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, आयरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिनलैंड, ये कुछ पावरफुल इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहां पर यूरो एज ए करेंसी यूज होती है. राइट, अगेन रिपीट, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, आयरलैंड, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, इन सब कंट्रीज के अंदर हमारी यूरो एज ए करेंसी यूज होती है. राइट, यू अंडरस्टैंड? यस सर. राइट, देखिए ये हमने करेंसीज के बारे में पढ़ा. कुछ और इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर यूज होती है. फॉर एग्जांपल देखिए, इन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, वॉन, वॉन इज अ करेंसी यूज्ड इन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, द नेम इज वॉन. देखिए यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है. एक जापान के अंदर यूज होती है, दैट इज येन, इट्स इंपॉर्टेंट. जापान की करेंसी काफी इंपॉर्टेंट है. जापान के अंदर हमारी करेंसी यूज होती है येन, वाई येन, एंड साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में वॉन, वी ओ डब्ल्यू ओ एन, वॉन. सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है. और चाइना के अंदर हमारी यूज होती है युआन, वाई यू ए एन. राइट, सो इन तीनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है. नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वॉन, चाइना युआन, जापान येन. राइट, नेक्स्ट रशिया, इट्स इंपॉर्टेंट, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, उसमें हमारी रूबल करेंसी यूज होती है. राइट, रूबल. इन थाईलैंड बाट, थाईलैंड के अंदर हमारी बाट यूज होती है. राइट, म्यांमार के अंदर हमारी कयात यूज होती है, के वाई ए टी, कयात. राइट, एंड इन टर्की लीरा, टर्की के अंदर हमारी लीरा करेंसी यूज होती है. एंड इन स्विट्जरलैंड स्विस फ्रैंक. राइट, स्विट्जरलैंड के अंदर स्विस फ्रैंक हमारी एज ए करेंसी यूज होती है. सो ये दुनिया की कुछ पावरफुल करेंसीज थी जो हमने इस टॉपिक में डिस्कस की है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. डू यू अंडरस्टैंड? कर सकते हैं अभी आप? क्लियर है? हमने देखिए अभी तीन टॉपिक डिस्कस किए हैं, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, कंट्रीज एंड करेंसीज, एंड फर्स्ट इन मेल एंड फीमेल इन इंडिया. डू यू अंडरस्टैंड? समझ आ गया आपको तीनों टॉपिक? एनी डाउट? नो सर. नो सर. सर एक डाउट है. यस बोलिए बेटा. सर ये आपने गूगल क्लासरूम में भी भेज रखा है ना? यस टेल मी. सर ये आपने गूगल क्लासरूम में भी. ओके बेटा, सो देखिए ये हमारे जो टॉपिक्स थे, कॉमन टॉपिक्स थे, ये हमने कवर किए हैं प्रीवियस क्लास के अंदर. हमने बुक पेजेस कवर किए थे, तो आपको बुक पेजेस जो है वो 31 टू 51 आपके बुक पेजेस आएंगे. और जो हमने तीन टॉपिक अभी डिस्कस किए हैं, कंट्रीज, कैपिटल, कंट्रीज एंड देयर करेंसीज, एंड फर्स्ट इन मेल एंड फीमेल इन इंडिया. राइट, ये आपका एनटीएससी का सिलेबस है जो आपका एनटीएससी एग्जाम्स कल होगा. सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी फॉर योर एनटीएससी एग्जाम.